देखो जी, मैनू इन्होंने ट्रैप कर रखा वै। मेरे सारे फंड्स पूरे ने, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे ने, उसके बावजूद मेरी रजिस्ट्री नहीं करते। 2.5 साल पहले मेरे को 2 लाख रुपया रिश्वत मंगते सीगे, मैं रिश्वत देंदा नहीं सीगा। वो चक्कर च मैनू सबक सिखाने के चक्कर च पे हुए ने, भाई तू मूँह क्यों खोलिया भ्रिष्टाचार के अगेंस्ट। अज्ञात पुलिस जांच कर रही है, अज्ञात आरोपी है, इसनों विशा बना के, जांच का विशा बना के मैनू ट्रैप किया हो। असी लोग ठीक है, काले जरूर पे हुए हैं, इसलिए पे हुए हैं काले के साडा जिहड़ा माली तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया जी, है ना, जिदे करके सानू ये कारोबार तो भी इन्होंने साडा सारा कुछ बका दिता वै। तो सानू इस गल की तकलीफ भी, मानसिक तकलीफ भी बहुत है इन्हों के खिलाफ, भाई ये इन्हों चोरों नू जल्दी तो जल्दी हटाया जाए। कंटी तो मैं ता है सरकार नू जगाण वास्ते, थोड़ा हुशियार करन वास्ते, तो चोरों नू भजाण वास्ते बजा रहे जी। मेरा काम तो 100% श्योर है जी, मेरे तो विचों तरले भी कढ़ चुके ने, वे काम कर देने, लेकिन मैनू ये पसंद नहीं गा। मैं तो चाहना भ्रिष्टाचार खत्म होवे साडे पंजाब चो। साढ़े पंजाबी जिनी मेहनत करते हैं, अमेरिका तो इतने 10 अमेरिका बना देन जिनी वो मेहनत करते हैं, लेकिन ये चोर जीनी नहीं देंगे उन्होंने। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइनस, ते मैं हाँ थोड़े नाल निधि वर्मा। लगातार करप्शन के मामले जिहड़ा देखा जा रहा सामने आ रहे हैं, इस तों बाद असीं अज इत्थे खड़े हाँ लुधियाणा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के विच। तुसी देखोगे कि अंकल जी इन्हां दे वल्लों किहा जा रहा 15 दिनों तो इत्थे बैठे ने, 15 दिनों तो इत्थे अपना धरना लगाया हुआ, इन्हां नाल असीं गलबात करते हैं की रीज़न हैगा है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। अंकल जी, किन्ने टाइम तो 15 दिनों तुसी इत्थे बैठे हो, इदां दा की होया तुसी 15 दिनों तो इत्थे धरना लाया हुआ? देखो जी, मैनू इन्होंने ट्रैप कर रख्या वै। मेरे सारे फंड्स पूरे ने, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे ने, उसके बावजूद मेरी रजिस्ट्री नहीं करते। 2.5 साल पहले मेरे को 2 लाख रुपया रिश्वत मंगते सीगे, मैं रिश्वत देंदा नहीं सीगा। बस वो चक्कर च मैनू सबक सिखाने के चक्कर च पे हुए ने, भाई तू मूँह क्यों खोलिया भ्रिष्टाचार के अगेंस्ट, रिश्वत क्यों नहीं दिती। बस वो चक्कर च मैनू इन्होंने ट्रैप किया है, अज्ञात पुलिस जांच कर रही है, अज्ञात आरोपी है, इसनों विशा बना के, जांच का विशा बना के मैनू ट्रैप किया हो, भी तेरा केस विजिलेंस खुलिया होया वै, जांच चल रही है, ऐसा कुछ है। सर की कहोगे जदों आम आदमी पार्टी सरकार आँदी, उन्होंने वालों काफ़ी एफर्ट्स किए जाते ताकि भ्रिष्टाचार ना हो, उन्होंने वालों भगवंत मान वालों भी नंबर जारी किया जाता एंटी करप्शन नंबर, उस तो बाद गुरप्रीत गोगी तुम बाहर देखोगे उन्होंने वालों पोस्टर लगाए गए ताकि करप्शन ना हो, उस तो बाद उस तरह खुलेआम इतने करप्शन होना, कितों तक तुम देखते हो कि सरकारी दफ्तर किसी तरह का कोई डर नहीं? देखो गल है कि कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा जी, सफाई करने टाइम तो लगता ही है ना। असी लोग ठीक है, काले जरूर पे हुए हैं, इसलिए पे हुए हैं काले के साडा जिहड़ा माली तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया जी, है ना, जिदे करके सानू ये कारोबार तो भी इन्होंने साडा सारा कुछ बका दिता वै। तो सानू इस गल की तकलीफ भी, मानसिक तकलीफ भी बहुत है इन्हों के खिलाफ, भाई ये इन्होंने चोरों नू जल्दी तो जल्दी हटाया जाए इतों, है ना जी। बाकी ये है भी सरकार तो अपने वालों पूरा लगी है, पर कूड़े का ढेर भी तो बहुत व्डा है, विशाल ढेर हैगा, 70 सालों का ढेर लगा होया है ना जी, वो एको बार जो साफ नहीं हो जाना, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन यह उम्मीद सानू पूरी है भाई जिस स्पीड नाल लगे हुए ने 2 साल जी कंप्लीट कर देंगे मामले नू। बिल्कुल सर, तुसीं इत्थे घंटी लैके बैठे हुए, मतलब इहदा की मतलब हैगा कि जगाण दे लई? घंटी तो मैं ता है सरकार नू जगाण वास्ते, थोड़ा हुशियार करन वास्ते, ते चोरां नू भजाण वास्ते बजा रहे जी। हाँ जी, ये मेरा प्रोटेस्ट करन दा एक तरीका समझ लो। हुण तुहानूं की लगता है हुण जद तक हजे तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो अज भी तुसीं देखे एक ऑफिसर नू फड़ के लैके गया है ना, तो हुण इस नू बारे की कहोगे कि तुहाडा, तुहानूं लगता है कि तुहाडा काम हुण जल्दी ही होएगा? मेरा काम तो 100% श्योर है जी, मेरे तो विचों तरले भी कट चुके ने, वे काम कर देने, लेकिन मैनू ये पसंद नहीं गा। मैं तो चाहना भ्रिष्टाचार खत्म होवे साडे पंजाब चो, साडे पंजाबी जिनी मेहनत करते हैं, अमेरिका तो इतने 10 अमेरिका बना देन जिनी वो मेहनत करते हैं, लेकिन ये चोर जीनी नहीं देंगे उन्होंने, ठीक है ना जी। ये खत्म होना चाहिए जी, हर हालत खत्म होना चाहिए वै। मेरा काम अज नहीं तो कल हो जूगा, जिते 6 साल नहीं होया उत्थे होर 2 महीने बाद हो जूगा, है ना जी। पर भ्रिष्टाचार असी बर्दाश्त नहीं करांगे पंजाबी, क्योंकि अगे सानू लगता सीगा कि राजे ही चोर हैगे ने, साडा कोई सुनवाई तो होनी नहीं, जो मर्जी करी जाइए, लेकिन सानू हुण ये लगता वै भी सरकार जिहड़ी ये आई है ये भ्रिष्टाचार दे मतलब पूरी तरह अगेंस्ट है, सच्ची सुची सरकार है, और ये लोगों नू ईमानदारी दे राह दे उत्ते चला
ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ।